इस वीडियो में आज हम क्लास 10 आरएस अग्रवाल किताब का एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर ले, और किसी को अगर क्वेश्चन नंबर 6, 7 या 8 का सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाई एक्चुअल डिविजन शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल डिवीजन के द्वारा हमको शो करके दिखाना है कि x² माइनस 3 फैक्टर होगा इसका। तो फैक्टर तभी होगा जब अगर हम इस दोनों को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो है जीरो हो जाएगा। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे और अगर जीरो आ जाता है लास्ट में रिमाइंडर तो ये फैक्टर होगा, लास्ट में अगर जीरो नहीं होता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं और ये यहाँ पे हम लिख दिए x² - 3 और ये हो गया 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। तो ये मेरा क्वेश्चन रह गया। अब डिवाइड करते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिवाइड करने में सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब पावर को घटाते हैं, 4 में 2 गया तो पावर हो गया यहाँ पे 2। अब इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x² को x² माइनस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस 2 3 6 x² इसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस 6x² और फिर से साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, साइन चेंज कर दिए। अब इतना करने के बाद हम लोग एलिमिनेट करते हैं जो भी सिमिलर टर्म होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये और ये सेम है तो प्लस माइनस में तो काट दिए। अब यहाँ पे सिमिलर जो भी पावर रहता है एक्स का उसको उसी के साथ हम लोग जोड़ या घटाव करते हैं। तो यहाँ x³ है, यहाँ पे x² है तो ये तो प्लस माइनस होगा नहीं, इसलिए ये 3x³ ऐसे रह जाएगा। प्लस माइनस ये होगा क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है तो प्लस माइनस 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 करेंगे लेकिन साइन प्लस का होगा क्योंकि 6 बड़ा है, या प्लस 4 हो गया, 6 हो गया तो 4 और x² यहाँ पे माइनस 9x माइनस 12। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ पे प्लस 3 है तो यहाँ पे प्लस 3 डालेंगे और फिर से पावर को घटाएंगे। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 में 2 गया तो 8 यानी x⁻¹, पावर 1 नहीं लिखते हैं। अब फिर प्लस 3x से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ 3x से x² माइनस 3 ये जो है इसको यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x³ माइनस 3 3 9x। अब ये जो मेरा टर्म आया 3x³ माइनस 9x इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3x³ माइनस 9x, इसको यहां से मिटा दे रहे हैं। आप इसका भी साइन चेंज कर लेते हैं और ये फिर से कट गया है और 4x² यहाँ पे x है तो ये तो फिर से प्लस माइनस होगा नहीं, इसी को लिखेंगे 4x² और ये देख रहे हैं कि प्लस में ये माइनस में, यानी ये दोनों जो है कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस 12 ये बच गया। अब यहाँ पे x² है ये तो सेम मिल गया, यानी सिर्फ 4 बच गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 उतारेंगे और 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4x² और 4 3 जा हो गया 12, 4 3 जा 12 और इसका भी साइन चेंज कर दीजिए तो ये और ये कट गया, ये कट गया, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 दिखाना था हमको जो कि आ चुका है। तो इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि x² - 3 जो है 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 का फैक्टर है। तो लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x² - 3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12 और ये मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।